ड्रग माफिया जिसने कई सालों तक पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई की और रास्ते में आने वाले करीब 15,000 लोगों को मरवा दिया। इसका नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेवेरिया। इसे पूरी दुनिया में पाब्लो एस्कोबार नाम से किंग ऑफ कोकेन कहा जाता था। एक इंटरव्यू में उसकी पत्नी ने बताया था कि उसके दुश्मनों ने पाब्लो को मारने के लिए 16 अरब से ज़्यादा खर्च किए थे। उसे 44 साल की उम्र में 2 दिसंबर 1993 में मौत के घाट उतार दिया गया और मरने से पहले उसने सबके नाक में दम कर दिया था। कार को बम से उड़ाना, मंत्रियों का मर्डर करना उसके लिए मामूली बातें थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।